बट वर्क फ्रॉम होम इज ओपन। बहुत सारी कंपनियां, मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको पता भी नहीं होगा, वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं। आप घर पे बैठ के काम करिए साहब, आपको पैसा देंगे। और जेन्युइन आज के टाइम पे हर कोई पैसा दे रहा है, आप हैरानी करेंगे। जी हाँ, दे रहा है, और जेन्युइनली दे रहा है। आपके अकाउंट में आते हैं पैसा, वो कुछ नहीं करना है। जॉब कौन कौन सी जॉब डिमांड पे है, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूं। लिख लीजिएगा साहब, फिर मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं। तो बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बताता हूं सबसे पहले, तो इनमें से कोई भी एक काम आप चूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं यही काम है, इसके अलावा सोते रह के काम है, लेकिन बेस्ट जॉब्स बता रहा हूं जो घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। और फिर आप सोचेंगे कि ये काम के लिए स्किल कहां से लाएं, तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो आप चिंता मत करिएगा उसकी। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। आप कहोगे तो ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, सच में बता रहा हूं मैं आपको, ग्राफिक डिजाइनर मतलब जीडी का मतलब है। जो नॉर्मल भाषा में बोले तो मुझे आज यूट्यूब पर थंबनेल बनाने की जरूरत पड़ती है, थंबनेल, इफेक्टिव थंबनेल। आपने हमारे थंबनेल देखे होंगे, आज भी एक थंबनेल बना हुआ था। आपको क्या लगता है मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, मैंने कहीं पे बचपन में ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है? नहीं साहब, आज मैं कोई भी तरह का थंबनेल बना सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए, इनफैक्ट 10वीं क्लास के बच्चे हैं जो थंबनेल नॉर्मल बना सकते हैं, आज थंबनेल बनाने की जॉब है साहब। आज ही मैं देख रहा था एक यूट्यूब का चैनल है जो ग्राफिक डिजाइनर चाहिए उसे, उसको ऐसा चाहिए एक बंदा फटाफट से थंबनेल बना के दे दे, उसके पैसे दे रहे हैं 60,000 रुपए पर महीने की जॉब है। बताइए आप, 60,000 रुपए पर महीने से थंबनेल बना के देने, आपको दिन में 3 या 4 या 5 या 6 थंबनेल बनाते होंगे। हमने भी थंबनेल के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर रखा हुआ है। अब आप सोचिए क्या करता है वो, थंबनेल बनाता है, थंबनेल बनाता है साहब। और आपको लगता है जो बहुत हार्ड है, तो बहुत इजी है साहब। आपके मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, सिंपल सिंपल से ऐप्स आते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो खुद घर पे बैठ के। और बहुत सारे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, उसमें बैठ के आप लोग खुद एडिटिंग करके बढ़िया सा थंबनेल बना के दे सकते हो। डिजाइन करना हो, कुछ नहीं यार, डिजाइन करना क्या जॉब हार्ड है, नहीं है साहब। आप अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं कैसे थंबनेल बनाएं, हाउ टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन बहुत अच्छा काम है, घर पे बैठ के काम करने को देना होता है। दूसरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये थोड़ा स्किलफुल काम है। लेकिन मैंने तो यह भी सुना है कि आजकल आप वेबसाइट से लेके ऐप से लेके आप थोड़ा सा, आपको मतलब अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं सीख सकता हूं, मैं हर एक चीज सीख सकता हूं, सीख हर कोई सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ी मेहनत करने को तैयार है तो आप, अगर आपको सॉफ्टवेयर का कोई काम आता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर को तो पता ही है घर पे बैठे काम कैसे होता है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, ये काम कर सकते हो। आप स्किल सीख भी सकते हो, यूट्यूब पे सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। मैं इनफैक्ट, मुझे एक ऐप बनाना था तो मैं अभी वही कोशिश कर रहा हूं। अचानक से मुझे फेसबुक पे ना एक एडवर्टाइजमेंट दिखा जिसमें बंदा बोलता है कि ऐप आप घर पे 6 घंटे के अंदर बना सकते हो, और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिसमें आप ऐप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या छोटे छोटे काम, कोडिंग वगैरह सीख सकते हो। तो सीखो ना, उसी के तो पैसे मिल रहे हैं भाई साहब। लोग एक एक महीने के लाख लाख, दो दो लाख, तीन तीन लाख रुपया कमा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको लगता है हाय राम ऐप कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, वेब डिजाइनिंग कैसे करेंगे, तो साहब थांबा साहब, जब पैसे मिलते हैं ना, आपकी सोच से ऊपर पैसे मिलते हैं, तो इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। और अब आप ये सोचिए कि आप मान लीजिए कि 20-30 हज़ार की जॉब थी आपकी, वो आप नहीं कर पा रहे, अब नहीं कर पा रहे और बाहर नहीं निकल पा रहे, और कोई आपसे कह दे कि मेरे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, तुम करोगे, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा 1 महीने बाद, तो मैं 1 महीने के अंदर, मेरे को तो कोई बोल देता ना मेरे पास नौकरी नहीं होती, मैं 1 महीने में दिन रात लग के वो काम सीख लेता। जज्बात होने चाहिए यार, जज्बा होना चाहिए, क्या काम मुश्किल है, कुछ नहीं। और तीसरा, ऑनलाइन टीचर, भाई साहब ये तो सबसे आसान काम है, तुम्हें क्या आता है, क्या तुमने पढ़ाई की है 6वीं 7वीं 8वीं, कोई ग्रेजुएट तो की होगी, तो 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो क्या? क्या आपको हिंदी पढ़ानी नहीं आती, संस्कृत पढ़ानी नहीं आती, अकाउंटिंग पढ़ानी नहीं आती है? जो भी तुम इतिहास पढ़ा सकते हो, क्या पढ़ा सकते हो, तुम्हारे पास कुछ किताबें पढ़ी होंगी। कई लोग लगता है टीचिंग लो प्रोफाइल जॉब है, साहब आज टीचिंग में बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग। हमारे पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मैं खुद एक टीचर हूं, बाय द वे मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें हम पढ़ाने के सपने देखा करते थे, आज उनके टीचर हमें नौकरी के लिए अप्रोच करते हैं, कहते हैं सर जॉब दे दो क्योंकि उनके सारे के सारे सेंटर बंद हो गए। अब बिलीव करोगे? और ये सच बात है। लिंक्डइन पे मुझे एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत बड़ा, शायद इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है 12th के अंदर, उनके टीचर्स का कॉल आता है सर जॉब चाहिए क्योंकि कोरोना के चक्कर में सारे सेंटर बंद है, उन बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया, वो हमसे जॉब मांग रहे हैं। और आज से 4 साल पहले हम सोचा करते थे कि उस कंपनी में जाकर जॉब करेंगे, क्योंकि मैं वेदांतु से एसोसिएटेड हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टीचिंग करना तो बेहद आसान जॉब है। और आपको मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म बता दूं कि जो ऑनलाइन में अगर आप कुछ पढ़ाना जानते हैं तो आपको बहुत आसानी से मौका दे देंगे, आप वीडियो बनाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए, टीचर की जॉब तो बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है इसके अलावा, जो कि घर पे बैठ के आप कर सकते हो। और एक और बात बता देता हूं, इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजर बन जाइए साहब किसी के, बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कि किसी का यूट्यूब का हैंडल है वो आपको संभालने को दे देगा, इंस्टाग्राम का हैंडल है, फेसबुक का हैंडल है, मैं भी आपको बता देता हूं मेरे खुद के जो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब के उसके मैनेजर है, मैंने मैनेजर रखा हुआ है जो उसको संभालता है, मैं उसको पैसे देता हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं, थोड़ी देर में एक और बात बताता हूं, जैसे कि आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, ये तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अभी यूट्यूब पे एक्टिव है, खुद कंटेंट राइटर ढूंढते रहते हैं। कंटेंट राइटर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे आज सेशन लेना था तो मेरे पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए, जैसे मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं तो मेरे को इसको तैयार कौन करके देगा, तो कोई बंदा होगा जो इस पूरे थॉट प्रोसेस को बनाएगा, अच्छा आज सर को ये मैंने बोला कि मेरे को ये सेशन लेना है, मैं आज बताना चाहता हूं कि जाओ मैं 10 तरह की जॉब, 10 टिप्स बताऊंगा जॉब कैसे लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक बंदे को बोला जो मेरा कंटेंट राइटर है, उसने मेरे को सारी थीम बना के दी, उसके बाद इस स्लाइड को किसने डिजाइन किया, तो कंटेंट राइटर जो ये बताता है कि एक्चुअली सर को आज क्या करना है। और आज हर यूट्यूबर को कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसे वीडियो बनाना है, छोटी वीडियो चाहे बड़ी वीडियो, कंटेंट राइटर की जरूरत है। हमारे पास इन बहुत सारे रिज्यूम आते हैं लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट राइटर है, बट मुझे भी जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको कंटेंट राइटर की जरूरत होती है, कईयों के थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे होते हैं, समझ में आता है। तो कंटेंट राइटर, कंटेंट में क्या करना होता है मैं आपको कह दूं, ये वही वाली कहानी है जैसे अचानक से आप जब छोटी क्लास में पढ़ते थे आपको टीचर बोलता था ना कि चलो गाय पर लेख लिखो, अपनी माताश्री पे लेख लिखो, अपने पिताश्री पे लेख लिखो, आज शादी पे लेख लिखो, है ना, शादी है बर्बादी इस पे लेख लिखो, है ना, नेता हो या अभिनेता सब गबलेता इस पे लेख लिखो, अपने देश पे लेख लिखो, कोरोना पे लेख लिखो, बस यही है। कंटेंट राइटर, यू हैव टू राइट समथिंग व्हिच इज वेरी, व्हिच मस्ट बी वेरी क्रिएटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। और
और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग साहब, कई लोगों को लगता है वीडियो एडिट कैसे होती है, इसके बहुत सारे टूल हैं, मैं ही आपको बता देता हूं, मैं खुद करता हूं, इनशॉट में वीडियो खुद एडिट करता हूं, काइन मास्टर ले लीजिए, इनशॉट ले लीजिए, फिल्मोरा ले लीजिए, इतने आसान है। अब आप सोचोगे हाय ये तो बहुत हार्ड काम होता है, मैंने कभी एडिटिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, स्टिल आई कैन एडिट वीडियो, मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं किया, लेकिन फिर भी मजबूरी पड़ने पर अगर मेरा कोई बंदा बीमार हो जाता है जो कि मेरा वीडियो एडिटर, तो मैं खुद वीडियो एडिट कर लेता हूं। अब सोचिए आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर, और आपको लगता है, और एक और बात बता देता हूं, सबके ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिए और सीखिए, 2 घंटे लगते हैं साहब, आप तैयार हो जाओगे।